हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स को किया था, लेकिन पैट्रिक वाइट और पीटर कैरी दो ऐसे राइटर हैं जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के मेन स्तंभ माने जाते हैं, मेन इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं। तो आपको दो राइटर जो है वो डिटेल से पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो पैट्रिक वाइट और नेक्स्ट पीटर कैरी, जो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड लिटरेचर की जो सीरीज है, ये एक प्रकार से रिवीजन नोट्स हैं। आप इसके थ्रू अपनी रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा राइटर पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट का की बात की जाए तो पैट्रिक वाइट का जो टाइम पीरियड है 1912 से 1990 माना जाता है। और इन्हें क्या है, ब्रिटिश बोर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो पैट्रिक वाइट का फुल नेम था वो क्या था, पैट्रिक विक्टर मार्टिनडेल वाइट, ठीक है। उन्होंने 12 नॉवेल्स लिखे हैं, 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखे हैं और 8 प्लेज लिखे हैं। ये सारी बातें जो है वो आपकी सिर्फ जो है एक जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, दैट इज उसे नोबल प्राइज कब मिला था। 1973 के अंदर द पैट्रिक वाइट को नोबल प्राइज मिलता है। इसके साथ साथ कौन कौन से अवार्ड उन्हें मिले हैं। माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड उन्हें मिला है, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी गेव हिम गोल्ड मेडल, ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ईयर अवार्ड 1973 भी उन्हें मिला है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैट्रिक वाइट के बारे में आपको याद रखना है कि पैट्रिक वाइट की का जो बर्थ होता है वो तो इंग्लैंड के अंदर होता है, और इसके बाद जो है वो खुद जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन होते हैं। कुछ टाइम के बाद, सिर्फ 6 मंथ्स के बाद ही उसके पेरेंट्स वापिस ऑस्ट्रेलिया लौट जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एजुकेशन होती है वो पार्टली ऑस्ट्रेलिया और पार्टली इंग्लैंड के अंदर होती है। तो उनकी जो वर्क है उनके अंदर थीम कैसे देखने को मिलती है, दो तरह की जो थीम है वो देखने को मिलती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखता है, और दूसरा जो है जो यूरोप के अंदर उस टाइम पे चल रहा था, यूरोप के अंदर जो उस टाइम पर चल रहा था उसके बारे में लिखता है। तो दो प्रकार की जो थीम है वो देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरेशन के बारे में लिखता है, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन मिथ, ऑस्ट्रेलियन लिविंग के बारे में लिखता है। इसके साथ साथ जो है यूरोप के अंदर उस टाइम पर जो भी चल रहा है, जो जो मेन इवेंट्स हैं उसके बारे में भी लिखता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से वर्क पढ़ने हैं और कौन कौन से वर्क जो है उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। हैप्पी वैली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको नाम याद होना चाहिए, और यह है इसका पहला नोवल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हैप्पी वैली जो है, नाम बताइए, जो फर्स्ट नोवल था पैट्रिक वाइट का वो था हैप्पी वैली, ठीक है। और ये अगला जो है द लिविंग एंड डेड जो है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आंट स्टोरी नाम याद रखना है, द ट्री मैन एंड बोस जो है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि आपको जितने भी मैंने लिखे हैं उनकी शॉर्ट डिटेल्स तो सभी की ही याद होनी चाहिए, और दो वर्क डिटेल से पढ़ने हैं, द ट्री ऑफ मैन एंड बोस, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सा और वर्क है जो उन्होंने लिखा है, द सोरेड मंडेला, द वीवी सेक्टर, टाइबोन अफेयर, और जो लास्ट वन है द हैंगिंग गार्डन, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और क्या याद करने की आवश्यकता है आपको, आपको याद करने की आवश्यकता है कि उसमें एक सोर्स स्टोरी कलेक्शन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स स्टोरी कलेक्शन का नाम याद रखने की आवश्यकता है, द बर्न्ट वंस, ठीक है। तो आपको ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये सभी नाम याद होने चाहिए। इसके साथ साथ जो जो मैं आपको पढ़ाऊँ उनकी सो डिटेल्स और दो वर्क को वो डिटेल से पढ़ना है आपको, एट्री ऑफ मैन और इसके साथ साथ दूसरा वह वोस। तो अब देखते हैं हम कि कौन कौन से वर्क में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। जो हैप्पी वैली है, हैप्पी वैली जो उसका नोवेल है वह उसके जकारो वर्किंग के बारे में है, तो उसके इस एक्सपीरियंस को दिखाता है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, हैप्पी वैली एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की अपनी लोनलीनेस की खुद की कहानी है,
ये एक ऐसा स्थान है जो एक ड्रीम लैंड है, साथ साथ जो यहाँ का जो बैकग्राउंड है, जहाँ नेचुरल एटमोस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ यहाँ पर जो आदमी आया है वो बाहर भी नहीं जा सकता है। तो हर किसी की अपनी एक लोनलीनेस की स्टोरी जो है वो इस वर्क के अंदर दिखाई गई है। आपको क्या याद रखना है, एक वॉइड के एक्सपीरियंस के बारे में है। दूसरा जो है वो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया का शुरू का जो कल्चर था, वहां पर बुश थी, वहां पर लोगों का रहन सहन जो है धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है, कैसे कैसे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, ये सारी बातें इस वर्क के अंदर दिखाई गई है। इसके बाद आता है द लिविंग एंड डेड। द लिविंग एंड डेड जो है आपको याद रखना है, इसको हम डिटेल से देखते हैं आगे। द लिविंग एंड डेड देखिए यहाँ पे है, द लिविंग एंड डेड। द लिविंग एंड डेड जो है ये सेटिंग इसकी कहाँ पर देखने को मिलती है, मेन बात ये है कि ये वॉर के अंदर सेट है, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है, इस वर्क के थ्रू क्या बताना चाहता है राइटर, कि जो वॉर के दौरान, फर्स्ट वो वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और वॉर का इफेक्ट इतना ज्यादा लोगों के ऊपर होता है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। वो अपने अंदर अपनी सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अपने पर्पज, जिंदगी के पर्पज को ढूंढना चाहते हैं, और उनके जो आपसे रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। तो ये जो वर्क है इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं और उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट रहा वॉर के बाद की सिचुएशंस का, वो दिखाया गया है। कैथरीन जो है वो अपने दो बच्चों को पालती है, उसका जो हस्बैंड है वो अकेली ही, सिंगल ही अपने दो बच्चों को पाल रही है, ठीक है। एलियट जो है वो इसके अंदर क्या है, एक राइटर है, एक राइटर है और एक क्रिटिक है, और एडन जो है वो पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इन तीनों करेक्टर्स के थ्रू ये बताया गया है कि तीनों के अंदर आपसी जो है रिलेशन है, वो बॉन्ड जो है वो ज्यादा नहीं है, सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हैं और सभी अपनी अपने अपने जिंदगी के पर्पज को ढूंढने में लगे हुए हैं, अपने अपने आइडेंटिटी के सर्च में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है राइटर जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वर्क है द आंट स्टोरी। आंट स्टोरी के अंदर क्या दिखाया गया है, ये एक स्टोरी है थियोडोरा गुडमैन की, एक मिडल एज्ड वुमेन है, ठीक है, जो फ्रांस, अपनी माँ की डेथ के बाद फ्रांस जाती है, फिर अमेरिका जाती है, और फिर उसे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब अपनी मदर की डेथ के बाद वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि बहुत सारे जगह पर जाती है। उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसका उस उन एक्सपीरियंसेस का क्या इफेक्ट रहता है उसके ऊपर, वो सारी बातें दिखाई गई है इस वर्क के थ्रू। तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जितने भी तीन वर्क के नाम मैंने बताए हैं, जितनी डिटेल मैंने बताई है वो मोर देन एनफ है। इसके अंदर याद रखना कि जो थियोडोर गुडमैन है वो, उसके बारे में बात की गई है, उसके मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में बात की गई है। वो अपनी मदर की डेथ के बाद टूट जाती है और मतलब इतना ज्यादा लोनलीनेस और अकेलापन महसूस करती है कि मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। द ट्री मैन ऑफ मैन ये किसके बारे में है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का डोमेस्टिक नोवल है, ठीक है, एक प्रकार का डोमेस्टिक वर्क है। इसके अंदर क्या दिखाई गई है, जो फैमिली हिस्ट्री है उसको दिखाया गया है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को दिखाया गया है। इसके अंदर किस फैमिली की बात हो रही है, पार्कर फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। पार्कर फैमिली जो है, इसके अंदर जो है कुछ डिटेल्स आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि वाइट इस नोवल के बारे में क्या कहता है, फिर मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ कि क्या रहा। जो वाइट है इसके बारे में बोलता है, आई फेल द लाइफ वॉज ऑन द सरफेस सो डेयरी अगली एंड मोनोटस, देयर मस्ट बी ए पोएट्री हिडन इन इट टू गिव इट ए पर्पज। वही बातें हैं कि इसके अंदर जो है पैट्रिक वाइट वही बात बताने की कोशिश कर रहा है। आई फेल्ट द लाइफ, मुझे जो है मतलब लाइफ कैसी लगती है, बहुत ज्यादा अगली और मोनोटोनस, लेकिन देयर मस्ट बी ए पोएट्री हाइडन। लेकिन हम जो है हम जिंदगी को मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा अगली है, मोनोटोनस है, लेकिन इसके अंदर भी एक पर्पज हो सकता है। ये बातें जो है किस वर्क के बारे में बोलता है पैट्रिक वाइट, अपने द ट्री ऑफ मैन के बारे में बोलता है। इसके बाद आता है कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हाउस मैन के सोपसायर लेड
पोएट्री साइकिल से लिया गया है, पोएट्री कलेक्शन से लिया गया है, ठीक है, ए हाउसमैन के द्वारा जो ए शॉपशायर लेड है वहां से इसका टाइटल लिया गया है। इस स्टोरी के थ्रू क्या बताना चाहता है, इस स्टोरी के थ्रू जो है, इस वर्ग के थ्रू पैट्रिक वाइट क्या बताना चाहता है? एक तो देखो कि जो ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरेशन है उसके बारे में बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया की जो अर्ली लिविंग थी, जो लिविंग डेवलपमेंट है उसको दिखाया गया है। बहुत सारे जो है जंगल ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ लोगों को सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे जो है बुशेज है, वहाँ नेचुरल एटमोसफेयर के साथ जो है वो कंटेक्ट कैसा रहता है उनका, उसे भी फेस करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर बताई गई है कि एक व्यक्ति है स्टैन पार्कर, वो एमी के साथ जो है वो एक घर बनाता है, वहां पर रहता है, और ए उसकी जो है लाइफ वहां पर स्टार्ट होती है, और जो डिकेड्स लगातार जो है ईयर बाय ईयर जो है उसकी लाइफ और उसके परिवार की जो जिंदगियां हैं वो कैसे रहती हैं, ये सारी बातें इसके इस वर्क के थ्रू बताई गई हैं। इस वर्क के थ्रू कई बातें देखने को मिलती हैं, ऑस्ट्रेलियन जो अर्ली कल्चर है वो देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन लिविंग देखने को मिलती है, इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक है तो जो वहां पर रह रही फैमिली है उस फैमिली के रिलेशंस कैसे हैं उस फैमिली के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है द ट्री ऑफ मैन किसका वर्क है। दूसरी बात ये याद रखनी है ट्री ऑफ मैन जो है किस फैमिली के बारे में बात करता है, पार्कर फैमिली के बारे में, और किसके बारे में स्पेशली स्टैन पार्कर और एमी के बारे में, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, और इसके बारे में पैट्रिक वाइट क्या बोलता है, ठीक है। तो अगला हमारा वर्क है वोस। वोस जो है 19th सेंचुरी के एक पर्सियन एक्सप्लोरर थे, लुडविग लिचहार्ट, लिचहार्डट के बारे में बात करता है। लुडविग लिचहार्डट एक पर्शियन एक्सप्लोरर थे, मतलब किसी जगह को, नई जगह को खोजने वाले, उसके बारे में सारे डिटेल को जानने वाले थे। उसके ऊपर ये अपना वर्क जो है वो बेस्ड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वोस करेक्टर है वो भी लुडविग की तरह ही क्या है एक्सपेडिशन पे जाता है और जो है डिसअपियर हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि वोस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। पहले तो ये है कि आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में पढ़नी होंगे, जितने भी इसके स्टोरी से रिलेटेड इवेंट्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। मैंने जो है कुछ जनरल सी डिटेल्स दी है इसके बारे में, एक बार आप इसको अपनी डिटेल्स से अपने लेवल पे भी पढ़ने की कोशिश करना। बेस्ड ऑन द ये क्या है कि एक पर्शियन एक्सप्लोरर थे लुडविग लिचहार्ट, उसके बारे में है, लेकिन ऊपरी स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक एक्सप्लोरेशन की स्टोरी है, लेकिन इसका ये एक सिंबोलिज्म को भी शो करता है क्या कि जो वो उसकी जर्नी है एक्सपेडिशन की वो क्या दिखाती है, उसकी जो इनर जर्नी है उसको दिखाती है। वो उसको किससे कंपेयर किया गया है, गोड से, क्राइस्ट से, डिगल से, और गार्डन इसके अंदर दिखाया गया है वो गार्डन ऑफ ईडन को सिंबोलाइज करता है। तो इस वर्क में आपको क्या क्या याद रखना है, दो करेक्टर्स के नाम याद रखने हैं, एक तो वोश और दूसरा जो है लोरा, ठीक है, लोरा लोरा और वोश। इसके अंदर क्या दिखाया गया है स्टोरी के अंदर कि जो जो वोश है वो लोरा से पहली बार कहाँ मिलता है, अपने जो एक्सपेडिशन के पैटर्न है मिस्टर बूनर जो है वो एक्सपेडिशन के पैटर्न है किसके, बोस के, यानी ये जो है एक्सपेडिशन में उसकी हेल्प करते हैं, पैसे देते हैं और इसके साथ भी जाते हैं। तो वोस और लोरा जो है वो इसके घर पर मिलते हैं, यहाँ से जो है वो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो वोस है वो एक्सपेडिशन पे निकलता है तो अपनी एक टीम बनाता है, कुछ टाइम के बाद वो टीम जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर जो एक करेक्टर है मिस्टर जुड ये अपनी अलग बना लेता है, वोस जो है वो अलग बना लेता है। तो स्टोरी के अंदर कुछ टाइम के बाद ये दिखाया जाता है कि ये जो है डिस्पेयर हो जाता है, सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं एक्सपेडिशन मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है मिस्टर जूट। और कुछ टाइम के बाद ये दिखाया जाता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, लोरा के कजन के द्वारा, ठीक है, लोरा का एक कजन है जिसका नाम है बेले रेड क्लिफ,
रेडक्लिफ, वैले रेडक्लिफ के द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, और ये पार्टी किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है? अनवेलिंग ऑफ स्टेचू ऑफ बोस, बोस का जो स्टेचू है उसको अनवेलिंग करने के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। वहां पर मिस्टर जूड भी आता है और मिस्टर जूड बताता है कि बोस की जो डेथ होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वर्क जो है वो एक्सपेडिशन के बारे में है, साथ साथ जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी है। और इसके थ्रू ये बताया गया है कि बोस जो है वो सिंपल सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जूड जो है वो दो करेक्टर्स के थ्रू जो है वो जो ह्यूमन नेचर के आइडियाज हैं वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके बारे में, ये किसको किस मतलब रियल करेक्टर के ऊपर जो है वो उसका करेक्टर किस रियल करेक्टर के ऊपर बेस है, दूसरा जो है कौन से मेन मेन करेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मिस्टर जूड, मिस्टर बुनर, बेने रेडक्लिफ, ठीक है, लोरा, तो ये सारे करेक्टर्स आपको याद रखने हैं। तीसरा जो है स्टोरी को याद रखना है। चौथा जो है सिंबोलिज्म को याद रखना है कि किस प्रकार से ये स्टोरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी को भी रिप्रेजेंट करती है। अगला है हमारा है राइडर्स इन चैरियट। राइडर्स इन चैरियट जो है इसको माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड भी मिला है, इसको गोल्ड मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी मिला है। आपको याद रखना है कि किस वर्क को कौन कौन सा टाइटल मिला है, कौन सा वर्क जो है वो कौन सा टाइटल जो है वो जीतता है। तो इसको जो है गोल्ड मेडल, ऑस्ट्रेलिया माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, दो अवार्ड मिलते हैं। तीसरी बात इसके बारे में है कि साइकोलॉजिकल नोवेल है जो ये बताता है कि चार करेक्टर्स हैं उनको मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस भगवान से रिलेटेड मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनकी लाइफ जो है इस पॉइंट से कैसे कैसे आगे बढ़ती है वो सारी बातें इसके अंदर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल बाय विलियम ब्लैक, वहां से लिया गया है। स्टोरी के अंदर जो एपिग्राफ से ही स्टोरी जो है वो शुरू होती है, और इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि उन चार लोगों को जो भगवान से रिलेटेड मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस को जानने के बाद उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या उस पॉइंट से क्या क्या चेंज आता है, वो सारी बातें इसके अंदर दिखाई गई हैं। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखना एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में बात की जाती है, और इस वर्क को कब पब्लिश किया गया था, कौन से अवार्ड मिले हैं। सोलिड मंडेला, सोलिड मंडेला जो है इसके अंदर क्या बताया गया है कि वाल्डो एंड आर्थर ब्राउन दो भाइयों के थ्रू ये बताया गया है कि ह्यूमन नेचर के दो पक्ष होते हैं, जो ह्यूमन नेचर है उसके दो एस्पेक्ट्स को दो भाइयों के थ्रू दिखाया गया है, दो करेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है। वाल्डो, वाल्डो जो है कोल्ड और रैशनल है, कोल्ड मीन्स उसका रिलेशंस जो है दूसरों के साथ इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, रैशनल है। लेकिन आर्थर जो है वो वार्म हार्टेड है और इंस्पिरेशनल है। तो दो करेक्टर्स के थ्रू क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, टू कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, इसके थ्रू जो है दो बातें बताने की कोशिश की है। ये इतना ही करना है आपको, सिर्फ करेक्टर्स के नेम पूछे गए थे तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वाल्डो एंड आर्थर ब्राउन करेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द सोलिड मंडेला। द सोलिड मंडेला वॉज रिटन बाई पेट्रिक वोइट एंड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज टू रिप्रेजेंट द टू जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। द वीवी सेक्टर इट डिटेल्स द लाइफ लॉन्ग क्रिएटिव जर्नी ऑफ फिक्शनल आर्टिस्ट हर्टल डुफिल। आपको याद रखना है कि वीवी सेक्टर किसके बारे में है, एक तो ये जो एक पेंटर की जर्नी है उसके बारे में है, और किस पेंटर की जर्नी की बात की गई है, हर्टल डुफील्ड। आपको नाम भी याद रखना है हर्टल डुफील्ड, और जो ये हर्टल डुफील्ड है ये किस पेंटर को डेडिकेट है, सिडनी नोलैन को। हालांकि जो पैट्रिक वॉइट है वो ये मानता है कि जो मेरी ये डेडिकेशन है ये सिडनी नोलैन को नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद उन्होंने इन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये वर्क लिखा है। तो आपको याद रखना है कि वीवी सेक्टर एक आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में बताता है, आर्टिस्टिक पर्सन की जर्नी के बारे में बताता है। दूसरा जो है कौन है जो फिक्शनल आर्टिस्ट है वो है हर्टल डुफील्ड, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिडनी नोलैन को। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी वर्क्स के नाम मैंने लिखे हैं वो याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि जो हैंगिंग गार्डन उनका वर्क है वो अनफिनिश्ड है, पोस्थमसली पब्लिश्ड होता है, और जो जितने भी वर्क्स के नाम दिए हैं वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपको दो वर्क डिटेल से पढ़ने हैं, वो बार बार मैं बता रही हूँ, द ट्री ऑफ मैन एंड द बोस, और सारी डिटेल जो मैंने दी है वो मोर देन एनफ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीटर कैरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।